हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ हमारे और एक नए ब्लॉग में। आज मैं पहुँच चुका हूँ मुर्शिदाबाद और अब जाने वाला हूँ आपका मोतीझील पार्क। वही आप इस वीडियो पे आपको दिखाएंगे। तो काफ़ी सो गाइस, रानाघाट से एक ट्रेन बहुत ही हिलाते हिलाते लेकर आया है। अब बहुत आलसी फील हो रहा है, अब भूख भी ज़्यादा लग चुका है। अब चलते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद से चलते हैं। तो चलते अब आ चुके हैं लोकल होटल में और यहाँ पर कुछ खाएंगे। जो खाएंगे आपको दिखाते हैं क्या खाते हैं। काफी जोरों से भूख लगा हुआ है, देख सकते हैं। खाना आ चुका है, भात, बीम दाल और आलू का भुजिया और एक सब्जी है। चलिए खाते हैं। सो गाइस, इस होटल पर हमने खाना खाया, मात्री हिंदू होटल में हम लोग ने खाना खाया। यहाँ पर ये होटल है, स्टेशन के साइड पे एकदम है, पूरा बगल पे ही, स्टेशन के बगल पे ही। नजर सदा से राम गाछी नजर आ रहा है, राम गाछी आम गाछ। सो गाइस, अभी टोटो पे हैं, टोटो से जा रहे हैं और अभी कम से कम 30 मिनट लगेगा वहाँ पहुँचने में। वहाँ पहुँच के आपको अपडेट देता हूँ। चलते हैं, आपको मिलते हैं मोतीझील पार्क की ओर। फाइनली गाइस, पहुँच चुके हैं हम लोग मोतीझील पार्क और ये एंट्री पॉइंट। आज जनवरी का 1 तारीख, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है आज, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा टॉप भी रखा हुआ है आगे के ज़माना में। यही मोतीझील पार्क। मुर्शिद इकबाल खान, इकबाल खान क्या नाम है इसका। ये मोतीझील का पार्क पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे झूलवा बच्चे के खेलने के लिए, जंपिंग, और यहाँ टॉय ट्रेन भी है, देख सकते हैं आप लोग। और इस टॉय ट्रेन, सो गाइस, टॉय ट्रेन पे अब चढ़ने वाले हैं। टॉय ट्रेन का हम लोग टिकट हम लोग ले चुके हैं और अब टॉय ट्रेन आएगा। अभी तो फर्स्ट राउंड का तो चल गया, सेकेंड राउंड पर हम लोग जाएंगे। तो अब थोड़ी देर में हम लोग टॉय ट्रेन पर चढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अब टॉय ट्रेन में मिलते हैं डायरेक्ट। सो गाइस, बैठ चुके हैं हम लोग टॉय ट्रेन पर। अब टॉय ट्रेन कुछ ही मिनट पर छोड़ेगा यहाँ से, तो आपको वो भी दिखाएंगे टॉय ट्रेन। और टॉय ट्रेन कितना लंबा है वो दिखाते हैं आपको इस साइड से। ये टॉय ट्रेन की पूरी लंबाई है, टॉय ट्रेन में पूरा बैठे हुए पैसेंजर।
गाइस आप लोग देख सकते हैं पीछे में जो टॉय ट्रेन है उस टॉय ट्रेन से हम लोग गए थे घूमने के लिए। अभी उसमें हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पर उतर के आप लोग पार्क का दर्शन लेंगे। ये टॉय ट्रेन 20 रुपीज़ लिया है इस टॉय ट्रेन का, वन ट्रिप वन साइड का। और इस जगह बना हुआ है टॉयलेट जो हमारे इंडियन में बहुत कॉमन है, इंडियन में कॉमन है। 10 रुपये करके ले रहे हैं टॉयलेट जाने के लिए, काफ़ी महंगा है यार यहाँ पर टॉयलेट में, काफ़ी ज़्यादा महंगा है टॉयलेट में, टॉयलेट के लिए भी लाइन लग रहा है यहाँ पर। हेलो गाइस, अभी पार्क पे ही घूम रहे हैं हम। ये जो देख सक रहे हो एक फार्म हाउस है और यहाँ पर फिल्म स्टार और कोई भी बंदे हैं, मतलब मंत्री उन्त्री जो भी है यहाँ पर आके रहते हैं। ये फार्म हाउस जैसा ही बना हुआ है, यहाँ पर कई फार्म हाउस है, लगभग 2-3-4 है, तो हर एक को मैं दिखाऊंगा, ठीक है, आपको इस वीडियो में हर एक को दिखाऊंगा मैं। हमारे पीछे एक और फार्म हाउस देख सकते हैं, यहाँ पर फिल्म की शूटिंग में ये काम आता है और पता नहीं और कुछ भी काम में आता है। देख सकते हो कुछ बंदे बाहर पर ही बैठे हुए हैं और फार्म हाउस के सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये क्या होता है, ओल्ड नहीं, ये आपका न्यू मोतीचूर पार्क में आता है। यहाँ पर न्यू मोतीचूर पार्क में सबसे ज़्यादा फार्म हाउस 2-3 बना हुआ है और इसमें पार्क भी शामिल है और है सब कुछ भी बढ़िया है। एक चीज़ में इस पार्क में बहुत ज़्यादा ख़राब लगा कि टॉयलेट करने के लिए 10 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो ओल्ड पे हैं वहाँ पर 5 रुपये लेता है, मगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। ये है फार्म हाउस का गेट, यहाँ से एंट्री होता है, बट अभी किसी का परमिशन नहीं अंदर जाने के लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है और यहाँ से देख रहे हैं 3-3 घर फार्म हाउस नज़र आ रहा है। इसमें फुल फैसिलिटीज़ मौजूद है इसमें, और इसमें गार्डन, बैठने का जगह सब कुछ है और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। एक गार्डन, ये पार्क ना 350 एकड़ पे फैला हुआ गार्डन है और यहाँ पर इधर का सारा जो एरिया देख सकते हैं आप लोग। और ये एरिया आपका न्यू मोतीचूर पार्क में आता है, ये काफ़ी बहुत ही लंबा है, काफ़ी बड़ा एरिया में ये पार्क बना हुआ गया है। और यहाँ पर लाइटिंग के लिए एक बड़ा सा लाइट दिया गया हुआ है जो रात में ये इसको और 4 चांद लगाया जाता है इस पार्क पर। तो आप इस वीडियो पे बने रहें, ज़रा भी स्किप ना करें। तो गाइस, मोतीझील पार्क में ये फवारा देख पा रहे हैं, पीछे तरफ में फवारा है और काफ़ी तेज है। अगर लाइट अगर देखने को मिला शाम तक अगर रहूँगा तो लाइटिंग इफेक्ट भी आपको दिखाऊंगा। और ये मोतीझील पार्क में पूरा एरिया 350 एकड़ पर फैला हुआ है, बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा एरिया में है। अगर इसमें बनाते बनाते वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबा बनेगा और बहुत ही समय लग रहा है यार यहाँ पर चल चल के, मतलब पैदल ही जा रहा हूँ इस पार्क में जाते हुए, बहुत ही समय लग रहा है। सो गाइस, अब आ चुका हूँ अब खाने के यहाँ जगह पर। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल बैठा हुआ है, दुकान है पूरा लाइन से, पूरा पीछे तरफ में देख सकते हैं और इस तरफ भी है दुकान, बहुत सारा दुकान है, काफ़ी जगह दुकान है यहाँ पर। यहाँ आइसक्रीम, चाय, मोमो सब कुछ ही मिल रहा है, फास्ट फूड का सामान। बस अभी यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट कर रहे हैं, मोतीझील पार्क से बाहर निकल रहे हैं। पहले तो दूसरा एक ही एग्जैक्ट था, वो अभी बंद कर दिया है क्योंकि आज ज़्यादा ही क्राउड है इस एरिया पे, इस वजह से आज यहाँ पर इस जगह से एग्जिट कराया जा रहा है। पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बंदे जो है खड़े हैं एग्जिट करने के लिए। ये जो बाहर का एरिया है यहाँ पर काफ़ी स्टॉल बैठा हुआ है, आइसक्रीम कुछ का, काफ़ी पब्लिक है। और यहाँ पर देख रहे हैं गैस बैलून चलाया जा रहा है, गैस बैलून को। और ये आ गया हमारा मेन रोड, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड गार्ड दे रहे हैं गाड़ी को क्रॉस कराने के लिए। सो गाइस, वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इस तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा और डेली लाइफ बेस पर भी अपना वीडियो मैं लाऊँगा, क्योंकि आज घूमने का जितना है, मुर्शिदाबाद का जितना सीरीज है, एक दो जितना वीडियो वो ख़त्म हो जाए उसके बाद से मैं अपने डेली लाइफ में जो वीडियो है वो अपने अपलोड करते रहूँगा। ताकि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई लोग।